राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एड ने गुरुवार को ब्रेक दिया, लेकिन शुक्रवार को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होने कहा है। राहुल गांधी ने एड से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया जाए, शुक्रवार को नहीं। इधर कांग्रेस को लगने लगा है कि एड राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ज्यादातर राज्यों में राजभवनों का घेराव जारी है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तेलंगाना, रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ किए जाने को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा। रेणुका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेणुका ने अपनी सफाई में कहा, मैंने हमला नहीं किया, मैं अपना बैलेंस खो रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि यदि आप हिले तो मुझे खुद को गिरने से बचाने के लिए आपको पकड़ना होगा। मैं उस आदमी से माफी मांगूंगी। हमारे साथ बदसलूकी करने के लिए पुलिस भी माफी मांगे। हमारे आसपास इतने सारे पुरुष पुलिसकर्मी क्यों थे? दिल्ली, दीपेंद्र नजर बंद, घर के बाहर बैरिकेडिंग। दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली पुलिस ने उनके घर में ही नजर बंद कर दिया है। इस बीच गुरुवार को हिरासत में लिए गए सचिन पायलट ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि पिछले 8 साल से लगातार सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारा संकल्प है, हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र को दिल्ली पुलिस ने घर में नजर बंद कर दिया। पढ़ें पूरी खबर। राजस्थान, राजभवन के आसपास लगी धारा 144 जयपुर में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने वाली थी, लेकिन वहां धारा 144 लगी है। इस कारण कांग्रेस सिविल लाइंस फाटक पर ही विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। शुक्रवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। पढ़ें पूरी खबर। उत्तर प्रदेश, बैरिकेडिंग फांदकर राजभवन पहुंचे कांग्रेसी। कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में राजभवन घेरने पहुंची। राजभवन पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो रही है। कांग्रेसी बैरिकेडिंग फांदकर राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। पढ़ें पूरी खबर। चंडीगढ़, कांग्रेसियों ने गवर्नर हाउस घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस घेरने की कोशिश की, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेसियों को पुलिस पकड़कर सेक्टर 36 थाने में ले गई। पढ़ें पूरी खबर। केरल, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। तिरुवनंतपुरम में कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हिमाचल प्रदेश, राजभवन के बाहर पुलिस और नेताओं में झड़प। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उग्र हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। पढ़ें पूरी खबर। कर्नाटक, हिरासत में लिए गए नेता। कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, सीएलपी नेता सिद्धारमैया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। डीके शिवकुमार ने कहा, एड किसी बीजेपी नेता की जांच नहीं कर रही, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रही है। राहुल से 3 दिन में 30 घंटे चली पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में एड कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब शुक्रवार को पूछताछ करेगी। इससे पहले राहुल से लगातार सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एड ने सवाल किए। 3 दिन में करीब 30 घंटे राहुल से पूछताछ की गई। एक तरफ जहां एड अधिकारी उनके जवाबों से असंतुष्ट नजर आए, वहीं राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि लगता है अब यहां रोज आना पड़ेगा, क्योंकि पूछताछ लंबी चलेगी। राहुल से एड के सवालों पर विस्तार से खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ एड की कार्रवाई का विरोध पहले दिन से जारी है। सोमवार को जब राहुल पहली बार एड के सामने पेश होने गए थे, तब उसने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी पैदल मार्च करते हुए निकले थे। हालांकि उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया था। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी कांग्रेसियों ने विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।